धन्यवाद छोटसा। फैमिली तरफ से पूरा पवार पवार परिवार को हार्दिक बधाई एंड स्वागत। हमारे साथी युवा साथी आपकी तरफ से 100 रुपए के लिए प्राप्त हुए हैं सहयोग। हमारे जोधपुर के युवा साथियों के अपने ही दीप प्रज्वलन करते हुए नमन। बोल पिपाजी महाराज की जय। बोल पिपाजी महाराज की। आप पधार रहे राधा भाई के स्वागत के लिए वंदना जी गहलोत और कपिला जी दई। अगली कड़ी में लक्ष्मी बाई राठौड़ के लिए मैं हरी जी सोलंकी आपके लिए जोरदार तालियां। जितने भी सदस्यगण हैं मंच के समीप पधारे हम सभी मिलकर भाई साहब श्री जमुनालाल जी श्रीमती इंदिरा देवी पूरे दहिया परिवार का इस लाभार्थी परिवार का महाप्रसादी के लाभार्थी परिवार का स्वागत करेंगे। सभी महानुभाव मंचासीन विराजमान जितने भी महानुभाव हैं आप सभी मिलकर इनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप सभी पधारे साहब। उदयपुर आपका युवा मंडल एवं पिपा क्षत्रिय समाज हार्दिक स्वागत एने अभिनंदन करता है। कृपया आ गया है पहला जी भाटी 200 रुपए भाई साहब ने जो अपना इस स्वतंत्र भारत में अपना अधिकार है उसको आप न 6-7 बजकर शाम की 6 बजे तक मत देने जरूर जाएं। आपको श्री राम की सौगंध है अगर कोई मत देने नहीं गया तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखो पूर्व में आपने अच्छे अच्छे मत दिए मतदान किया तो अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं आपके सामने हैं। कहने से नहीं बचूंगा तो आगे भी आप मातृशक्ति युवा शक्ति जरूर ध्यान दें अपने वोट का वोट देने के अधिकार को पूर्ण रूप से निभाएं। बोल पिपाजी महाराज की। मारे मार पानी मरवा दे मत हो गए भक्ता।
आने वाली है, 5 मिनट का इंतजार करें। रोटी अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुष्कर जी गहलोत का स्वागत अभिनंदन करेंगे, पुष्कर जी अभिनंदन करेंगे राम जी गहलोत। महिला जागृति मंच से विपर क्षत्रिय समाज उदयपुर श्रीमती पुष्पा जी पवार के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता और इनका स्वागत सम्मान करने के लिए अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री विनोद। अच्छा अच्छा रो पानी पानी पे यार, जोरदार आदमी है यार, वाह रे वाह। अगर सुधीर कर रहे हैं जा रही है इस लाभार्थी परिवार के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाए माता बहने। वाह रे वाह, भगवान इनको खूब दे, इसी प्रकार इनकी विराजमान हो और आगे जीवन में और आप लाभ ले, ऐसी मेरी ईश्वर की बात। भैया चालू रखे नहीं रे के लिए तालियां जरूर बजाए आप। मैं भगवान लाल गहलोत विपक्ष क्षत्रिय समाज उदयपुर अध्यक्ष, हम यहाँ पे सभी लोग समाज के बंधु सभी समाज बंधु यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे समाज की ये शोभा यात्रा निकली है बोरा गणेश जी प्रांगण से। वो बोरा गणेश जी होते हुए पूरा यह 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के और यहाँ हम अभी गणपति वाटिका में आए हैं, लोग एकत्रित हुए हैं। पीपा जयंती का समारोह अभी चालू होगा, अभी 10-15 मिनट बाकी है। जो चालू होने के बाद में दीपोत्सव दीप जलाएंगे, उनका पीपा जी की आरती करेंगे, उसके बाद में समाज के वरिष्ठ जन जो भी हैं 75 साल के ऊपर उनका हम सम्मान करेंगे और पुरुष या महिला जो भी है उनका हम सम्मान करेंगे और उनको आदर देंगे। श्री विपक्ष क्षत्रिय समाज उदयपुर का कोषाध्यक्ष हूँ और गत 40 वर्षों से समाज का कार्य कर रहा हूँ। ये इस वर्ष हम श्री पीपा जी महाराज की 701वीं जयंती मना रहे हैं
श्री पीपा जी महाराज गढ़ गागरौन के महाराजा थे, उन्होंने अहिंसक धर्म के हिसाब से राजशाही छोड़कर संत का वो ले लिया, और श्री पीपा जी महाराज ने भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी ने सीता सचेरी देवी ने भी उनका साथ दिया और इस धर्म को आगे फैलाया, अहिंसा धर्म को। उसी धर्म के आधार पर हम पीपा क्षत्रिय समाज के व्यक्ति हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। प्रतिवर्ष आज के दिन पीपा जी महाराज की जयंती मनाई जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में भी मनाई जाती है, और मुख्य समाज अभी यहाँ वर्तमान में भोरा गणेश क्षेत्र में एकत्रित हुआ है। यहाँ वरिष्ठ जन सम्मान भी होगा, जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, और अंत में समारोह के अंत में सबका आभार प्रकट करते हुए एक विस्तृत वो भोजन प्रसादी का आयोजन भी किया गया है। तालियों से स्वागत करते रहे, ये हमारे समाज के विभूतियां हैं। पूरी के अंकित करता हूँ, बना रहे तालियों से स्वागत करते रहे, तालियों में कोई कमी ना हो होगा, बना रहे सतनारायण साहब विराज है। पधारे मंच पर, बहुत बहुत ऊपर भी है पधारे समाज सेवी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर पधारे। संदीप जी सोलंकी के कोई आवश्यक कार्य आ गया था। सीमा शक्ति समाज उदयपुर के कोषाध्यक्ष श्रीमान पुष्कर जी परियार साहब को भी मंच के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय पुष्कर जी परियार भाई साहब प्लीज, आदरणीय पुष्कर जी पानी में कंटिन्यू से नहीं करें उल्टी आ ₹50, लक्ष्मीला भाई बड़बुजा घाटी ₹500, नारायण देवी जी ₹500, राजेंद्र जी परिहार, राजेंद्र जी पवार ₹501, बंसी लाल जी कुराबर ₹200, पहला जी सेक्टर 14 ₹201। आप सभी का तालियों बजा के स्वागत कीजिए, कृपया तालियों में कमी नहीं रखें। ₹1, शांति लाल जी कनेरिया ₹1100, शांति लाल जी सरणा वाले तीतड़ी ₹5100, लक्ष्मी नारायण जी गहलोत ₹500,
महेश चंद्र जी पवार सेक्टर 500 रुपए, हरीश जी डाबी सेक्टर 14 501 रुपए, कैलाश जी राठौड़ 101 रुपए, रमेश चंद्र जी पवार सेक्टर 14 1100 रुपए, पिपा क्षत्रिय समाज विकास संस्थान हिरण मंगरी जिन्होंने अभी कुछ एक दो दिन पहले ही भजन संध्या का आयोजन किया गया था 5151 रुपए, मालती सोलंकी 500 रुपए, प्रकाश जी टेलर बेवास 5000 रुपए, नहीं 500 डोयल 1001 रुपए, नरेश जी सोलंकी 500 रुपए, हीरालाल जी कनेरिया 501 रुपए, योगेश जी मकवाना नाकोड़ा नगर 1000 रुपए, लाल जी टेकरी 1100 रुपए, नारायण जी पाटी सेक्टर 500 रुपए। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है युवा मंडल बोरागढ़। मैं घनश्याम चौहान पीपा क्षत्रिय युवा मंडल का कार्यकारिणी सदस्य श्री पीपा क्षत्रिय युवा मंडल बोरा गणेश जी की ओर से नियमित रूप से पिछले 10 वर्षों से शोभा यात्रा का आयोजन पीपा जयंती पर किया जाता है। श्री पीपा जी की शोभा यात्रा का आयोजन श्री बोरा गणेश जी मंदिर से लेकर यूनिवर्सिटी रोड होते हुए गणपति वाटिका बोरा गणेश जी चौराहे पर आती है और यहाँ एक समारोह के रूप में कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें पीपा जी परिचय वरिष्ठजनों का सम्मान और फिर प्रपुर प्रसादी होती है जिसमें सभी समाजजन पीपा क्षत्रिय समाज एकत्रित होता है और इस कार्यक्रम का लाभ उठाता है। श्री पीपा जी का परिचय के रूप में आपको मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि गढ़ गागरुन जो झालावाड़ में स्थित है वहाँ के वो राजा थे और उन्होंने राजपाट त्याग कर श्री रामानंद जी का शिष्य ग्रहण किया और उसके पश्चात उन्होंने सुई और धागा सीवन कला को अपनाया और पीपा क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनका अनुसरण किया, पीपा पंथी कहलाए। आज उनकी 701वीं जयंती है जिसके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जा रहा है और धूमधाम से लोगों में बड़ा उत्साह है पीपा जी के बारे में। उनके जो भी दिए गए उपदेश का अनुसरण पीपा समाज करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा के इस महान प्रोग्राम में जिन महानुभाव ने जो अपने अच्छे अच्छे शानदार काउंटर लगाए थे उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। श्री किशोर जी गहलोत साहब के 1001 रुपए, आपके लिए जोरदार तालियां। वाह रे वाह मातृशक्ति। करेंगे श्री मान भगवान लाल जी गहलोत साहब, जरूर बजाए। इसी क्रम में चाहूंगा आप करेंगे महेंद्र जी भंडारी साहब करेंगे, तालियां जरूर। इसी क्रम में श्रीमान बसंती लाल जी राठौर, पूरा सहयोग और काउंटर लग रहा है। हम बच्चों का हम युवाओं का काफी उत्साहवर्धक करते हैं। आप हमें पुरुषों के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। आप छोटसा का आदेश विभूतियां किया जा रहा है, जोरदार तालियां। भाई 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 श्रीमान राकेश जी कनेरिया का स्वागत, जोरदार तालियां। इसी क्रम में श्रीमान राजेश जी कनेरिया, फूल चुप में कोई बाकी रह गया हो तो कृपया बता दे और पड़ जाए तो इनको जरूर याद करें। इनके स्वागत, आपके लिए तालियां। भाई साहब हमारे नरोत्तम जी सोलंकी हैं, इनके जिया जी हैं। अच्छा, सोलंकी ने मुझे बताया है लाभार्थी परिवार अगले वर्ष के महाप्रसादी के लाभार्थी परिवार का खूब खूब साथ। कुसुम जी पवार, श्रीमान रमेश चंद्र जी पवार, प्रीति संजय जी सोलंकी, सोनिया महेंद्र जी राठौड़, सुचित्रा संजय जी सोलंकी एवं समस्त पवार परिवार की ओर से इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अगले वर्ष जो महाप्रसाद बनेगा इस परिवार की ओर से है। कुसुम जी पवार, रमेश चंद्र जी पवार, इनके भी नाम लिए थे, पूरा परिवार मंच के समीप पधारे। इंडिया का प्रोग्राम और 28 तारीख सुबह शोभा यात्रा और महाप्रसाद का प्रोग्राम का आप समस्त सपरिवार सहित समाज बंधु मातृ गुंडिया जरूर जरूर पधारे। परिवार है ये।
प्रदान किया। ईश्वर भोरा गणेश जी के लाभार्थी आप और आपका परिवार प्रार्थना। इसी बीच श्रीमान लाल जी का कहता है मजरी मजरी शादी आ जाओ भाई साहब आ जाओ। हमारे प्रति समाज के प्रति आपकी एक अच्छी भावना और अच्छा सही वाला भाई साहब स्वागत नहीं की दो बरोबर वो आज भी छोटे और अनेरी आंगली मोटी कभी हमारा आंगली गिरी ला गिरी करे बंद करे चालू करे बंद करे चालू करे। अबे खबर पड़ी इनाल स्वागत गए साल अपन नहीं की तो सनी साल सब मलिन इनाल स्वागत करांगा अगले साल ये बढ़िया बढ़िया वजह आएगा। तो भाई साहब श्री दीपक जी दीपक से दीपक दीपक जी आप ही बता रहे आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। श्री किशोर जी साथ में सतनारायण जी भगवान शब्दों की कोई कंजूसी नहीं है दिल खोल के बोलते हैं और सत्यनारायण जी भगवान और भगवान दो को ऐसा राजी कर दिया जैसे इनके चरणों पुष्प मालाएं अर्पित करती है। इनके इस पवित्र एवं पावन अवसर पर मैं जिला निर्वाचन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे डीपीओ मैम ज्योतिबाला पवार मैडम। इनके स्वागत के लिए मैं श्री मुकेश जी मकवाना को आमंत्रित करता हूँ। प्रदीप जी हमारे समाज सेवी हैं प्रदीप जी के लिए संपूर्ण मेवाड़ पीपल क्षत्रिय के श्रीमान कोषाध्यक्ष जज साहब हमारे तो एकवी जयंती मनाने के लिए सभी समाज बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिपाजी महाराज गढ़ गागरोन किला है झालावाड़ जिले में स्थित है वहां पिपाजी का जन्म हुआ था और वहां की राजगद्दी उनको प्राप्त हुई। पिपाजी बड़े भक्त थे और उनके मन में मार काट हिंसा आदि चीजों के छोड़ने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने निश्चय किया। इसी क्रम में उन्होंने अपना राजपाट को त्यागा और श्री रामानंद जी जो सिद्ध पुरुष थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनके शिष्य बनने के उपरांत उन्होंने भारत भ्रमण किया और द्वारका में उन्होंने भक्ति की और वहां उनको और माता सीता को द्वारकाधीश जी से साक्षात्कार हुआ। फिर उन्होंने सुई और धागा जो अपन सिलाई का कार्य करते हैं जिससे अपनी पहचान है समाज की उनको अपनाया और उनका अनुसरण आज दिनांक तक कर रहे हैं और पीपा पंथी कहलाए। आज उन्हीं की जयंती है उनके दिए गए उपदेश जो पीपा प्रकाश अपने निरंतर पत्रिका आती है उसमें निरंतर उनके जो दिए गए उपदेश हैं उनका उच्चारण होता है। तो सभी से प्रार्थना है कि आज पीपा जयंती है तो उनमें से कुछ न कुछ चीज ऐसी ग्रहण करें और अपने आप में उतारें ताकि अपने समाज के लिए अपने लिए उत्थान का कार्य हो सके।
लोग आपको एक, चूंकि इस पवित्र पर्व पर आप एकत्र हुए हैं, तो 26 तारीख को एक पवित्र पर्व और आ रहा है। हमारा यह आना संपूर्ण सार्थक कब होगा, जब 26 अप्रैल 2024 को आप लोग वोट कास्ट करने जाएंगे। तो मैं सम्मानित जो मंच पर विराजमान बुजुर्ग महानुभव है और यह ऑर्गेनाइजर कमेटी है, मैं इससे करबद्ध निवेदन करता हूं, आप सभी 26 तारीख को प्रातः जल्दी उठकर आप लोग वोट कास्ट करने जरूर जाएं, तो ही इस जयंती का मैं मानता हूं पवित्र पर्व तब सार्थक होगा जब यहां से जितने बैठे हुए जो महानुभव हैं, जितनी माता बहन हैं, जितने महानुभव विराजमान हैं, तो सार्थक रहेगा। तो आप हमें कमिटमेंट करें, हाथ खड़ा करके खाली इतना कहते हैं, हम मतदान डालेंगे, हम ये नहीं कहेंगे किसको डालेंगे, पर सबको डालना जरूर है, कहां डालना, जो हमें कोई मोदी है, मगर अगर आप इस राष्ट्र के अंदर तो वोट कास्ट करें, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं हमारे एक वोट देने से क्या होता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर वोट कास्ट में एक वोट से फर्क पड़ा था। तत्कालीन राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी कि वो विधायक का चुनाव नहीं बल्कि वो मुख्यमंत्री के लिए से बाहर हो गए थे। वैसे ही उससे पिछली सरकार को देखो, एक वोट से वो वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। इसलिए एक मत का अपना एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक निवेदन करना, भले बैठे बैठे रहे, अपने हाथ को ऊपर रखें, मैं आप वो शपथ, खाली 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, बैठे बैठे खड़े जो राइट हैंड आगे कर लें, बैठे उनको मैं खड़ा नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ आप बोलेंगे ना। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की परंपराओं की मर्यादा को तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण गरिमा की रक्षा हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.
कर आरती का लाभ जरूर लें। भाई साहब दिनेश जी पवार साहब आप भी पधारे पुष्कर thank you.